हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट कैसे बनाएं ताकि आपके घर की लाइट जब भी जाए रात में तो ये इमरजेंसी लाइट आपके तुरंत ऑन हो जाए। आपको कोई भी कैंडल या टॉर्च या किसी चीज़ को लाइट जलाने के लिए ढूंढना ना पड़े, तो ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी, ये 12 वोल्ट का सर्किट है। फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या सामान की जरूरत होगी मैं पहले उसको बता देता हूँ। ये 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है, 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। ये मेरी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये मेरा यूपीएस खराब हो गया था लेकिन उसकी बैटरी काम कर रही है। ये येलो वायर पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लू वायर निगेटिव टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये एलईडी बल्ब डीसी है इसलिए इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा जो 12 वोल्ट का डीसी बल्ब है इसमें जो रेड वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ब्लैक वायर है निगेटिव टर्मिनल है। ये 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है डीसी, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल येलो वाला है और इसमें निगेटिव टर्मिनल ब्लू वाला है। इसके लिए एक बेड स्विच की जरूरत पड़ेगी। ये बेड स्विच है, इसमें दो टर्मिनल है। और उसके बाद इसका मेन पार्ट ये है आइटम LC1D9M7। ये कॉन्टेक्टर है, मेनली ये सारा फंक्शन इसी का है। इसी के द्वारा हम लाइट के जाने पे तुरंत हमारी इमरजेंसी लाइट ऑन होगी। ये कॉन्टेक्टर है LC1D9M7। इसमें ढेर सारे कॉन्टेक्ट है, ये पावर कॉन्टेक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फिलहाल एनो है। ये तीन कॉन्टेक्ट है, ये जैसे पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसका आउटपुट ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा। इधर इनपुट मान लीजिए ये आउटपुट हो गया, इसको इनपुट मान लीजिए ये आउटपुट हो गया। इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में फ्रेंड्स ये जो है ये A1 A2, ये कॉइल के लिए कनेक्शन के लिए 220 वोल्ट का रिले है। इसमें हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे A1 A2 पे। ये A1 A2 पे सप्लाई 220 वोल्ट इसकी इसकी कॉइल है जो एनर्जाइज होगी, जो इस रिले को ऑपरेट कराएगी। और इसमें दो कॉन्टेक्ट, एक ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये एनो कॉन्टेक्ट है। ऊपर और नीचे इन दोनों के बीच में एनो कांटेक्ट है और ये दोनों के बीच में एनसी कांटेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जो हम बल्ब को सीरीज में लगाएंगे वो एनसी कांटेक्ट पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह की सप्लाई है, डीसी वाली डीसी में लगेगी और एसी वाली एसी में लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उस हिसाब से इसको लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 220 वोल्ट एसी के कनेक्शन करते हैं इसके A1 A2 कॉइल पे। फ्रेंड्स, ये मेरा सप्लाई वायर है, मैंने छोटा लिया है, आपको जितना बड़ा जरूरत हो उतना बड़ा ले लीजिएगा। ये इसे हम 220 वोल्ट एसी में सप्लाई में लगाएंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इस प्लग को कनेक्ट कर दिया। ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे इसमें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डीसी बल्ब है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डीसी बल्ब है। ये बैटरी में डायरेक्ट लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी ये जलाने के लिए। ये देखिए निगेटिव टर्मिनल बल्ब का निगेटिव बैटरी के निगेटिव में कनेक्ट कर दिया और बल्ब का पॉजिटिव पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से डायरेक्ट लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया। चूंकि फ्रेंड्स, अगर दिन में लाइट जाएगी तो भी ये ऑन हो जाएगा, तो इसके लिए इसका जो बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में हम स्विच लगाएंगे जिसको हम रात में ऑन करेंगे और दिन में ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कर देते हैं, इसके सीरीज में एक स्विच लगा देते हैं। ये बेड स्विच है फ्रेंड्स, ये ऑन ऑफ करने के लिए। इसको मैंने ओपन कर लिया है ऑन ऑफ करने के लिए। मैं इसमें ये मेरा बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैं स्विच पे लगा देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया। जो भी ज्वाइंट्स होंगे फ्रेंड्स, उस पर इलेक्ट्रिकल टेप लगा दीजिएगा, नहीं तो शॉक लग जाएगा, शॉक लग सकता है आपको। और
चूंकि डीसी है 12 वोल्ट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसी वाले टर्मिनल में दिक्कत होती है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल इस स्विच पे आया, स्विच से मैंने एक छोटा तार लगाया हुआ है। अब इस तार को और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, निगेटिव तो मेरा बल्ब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, लेकिन बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और मेरे बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो इस स्विच पे गया है, और इस स्विच और ये स्विच, इन दोनों टर्मिनलों को मैं कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पे लगाऊंगा। ध्यान रखिएगा, एनसी कॉन्टेक्ट पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं लगाता हूँ इसको इस कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पे। ये मेरा टर्मिनल, ये एनसी कॉन्टेक्ट है फ्रेंड, ये वाला और ये दोनों के बीच में एनसी कॉन्टेक्ट है। इसको कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो गया, और ये जो ये स्विच पे गया था, स्विच से एक टर्मिनल इस पे आ गया। इसको भी एनसी के नीचे वाले कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर देते हैं हम। फ्रेंड्स सारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें सिंपली हमने क्या किया है, बल्ब के निगेटिव को बैटरी के निगेटिव जोड़ दिया है, बल्ब के पॉजिटिव को एक स्विच पे लगाया है, स्विच के टर्मिनल को एनसी पे लगाया है, और बैटरी के पॉजिटिव को एनसी पे लगा दिया है। फ्रेंड्स ये मेरा सर्किट, चूंकि अभी ये प्लग निकला हुआ है, मेरी लाइट चली गई इसलिए बल्ब ऑन है। इस बल्ब को मैंने, इस स्विच को ऑन किया है, रात में ऑन कर देंगे, दिन में ऑफ कर देंगे, ताकि दिन में बल्ब न जले। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया फ्रेंड्स, ये ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब मैं सप्लाई लगा रहा हूँ, मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, मेरे घर की लाइट आ गई है, देखिए ऑफ हो गया। मेरे घर की सप्लाई जब जाएगी तो मैं इसको प्लग को निकालूंगा, और ये मेरी बल्ब ऑन होना चाहिए, ये देखिए मेरा बल्ब ऑन हो गया। फिर वापस लाइट जब आएगी, जब मैंने लगा दिया, लाइट आ गई, ये ऑफ हो गया। अब मैं लाइट को निकाल रहा हूँ, सप्लाई को निकाल रहा हूँ, ये ऑफ हो, ये ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स जब भी लाइट जाएगी तो ये मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, और जब लाइट आ जाएगी, देखिए मैं लाइट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं आप 12 वोल्ट की। फ्रेंड्स अगर 6 वोल्ट लगाना हो तो 6 वोल्ट की बैटरी लीजिएगा, 6 वोल्ट का डीसी बल्ब लीजिएगा, बाकी ये कॉन्टेक्टर सेम रहेगा, ये 220 वोल्ट का है। इसके बाकी पार्ट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये इस कॉन्टेक्टर को मेनली, इसका सारा फंक्शन इस कॉन्टेक्टर का है।